हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न या श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, काउंट करके बताना है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि वो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कर रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों के सामने 588 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया है, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें पूछते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए कौन सा बुक है उस एग्जाम के लिए, तो जो भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों। इस बुक में उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में आए हैं और आगामी एग्जाम में आपके आएंगे। देखिए आपको यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे दोस्तों, और 2450 प्लस यानी कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया। चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है, इसीलिए इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए इसके साथ साथ और भी बुक ले सकते हैं दोस्तों। देखिए इसके साथ साथ दोस्तों आप झारखंड सामान्य ज्ञान ले लेंगे, चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है, क्योंकि इसमें पूरे झारखंड को कवर किया गया दोस्तों। झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस बुक में डाले गए हैं, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो इसमें आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो चलिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताते हैं। कभी भी अगर इस तरीके से आकृति किया हुआ है, मान के चले कि यहाँ पर इस प्रकार से और एक इधर से इसमें डाल दिया है, मान के चले यहाँ से एक क्या कर दिया दोस्तों इस तरीके से, और तो इसमें अगर यहाँ पर एक भाग किया है तो टोटल इसमें अगर काउंट करें तो कितना त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, दो त्रिभुज, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज। उसी प्रकार से एक त्रिभुज इसमें बन जाएगा, यानी पूरा वहाँ से लेंगे तो एक दो त्रिभुज, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे कहाँ से, इस तरीके से एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, और एक बड़ा वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन त्रिभुज हो जाएगा। तो यही आकृति को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये तो बेसिक बात हुआ कि एक त्रिभुज यहाँ होगा सर, दूसरा त्रिभुज होगा, और इसको जब मिला देंगे तो इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। तीन त्रिभुज के बाद देखिए यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो चौथा और पांचवा आप किसको कह रहे हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से जो चलेंगे तो एक आकृति इस तरीके से बन रहा है कि नहीं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि बेसिक बात को अगर समझ गए कि इसमें खाली इस तरीके से आकृति और इसमें कहा जाए कितना त्रिभुज है, तो आप क्या बोलेंगे, तीन त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक बड़ा वाला यहाँ से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए तीन और तीन छः हो गया, छ के बाद देखा जाए आपके सामने यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है, ये वाला आकृति में तीन त्रिभुज अभी बता चुके हैं, तो छ तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, नौ हो गया। नौ के बाद नौ त्रिभुज तो आ गया, नौ के बाद हो जाएगा दस, उसके बाद ही हो जाएगा ग्यारह, ई हो जाएगा बारह, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, तेरह हो जाएगा। अब तेरह के बाद देखिए कहाँ से लेंगे, इधर यहाँ से हम लोगों का एक त्रिभुज इधर यहाँ से जाएगा दोस्तों इस तरीके से, ई हो जाएगा चौदहवां, और उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो हम लोगों के सामने ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पंद्रहवां हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज, यही वाला को आप काउंट नहीं करेंगे, टोटल 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया, अलग अलग एग्जाम से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो हमने क्या तरीका बताया कि सबसे शॉर्ट कि सर यहाँ से यहाँ तक में आपका तीन त्रिभुज होगा, यानी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक बड़ा वाला, तीन। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब इस पर आएंगे इस आकृति पर, तो इस पर भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन त्रिभुज हो जाएगा। तो तीन तीन छः तो आप ने ले लिया, छह के बाद कि यहां से इस पे चलेंगे तो क्या तीन त्रिभुज नहीं होगा, तो छह तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, नौ हो गया। तो नौ के बाद ये दस हो गया, ये ग्यारह हो गया, ये बारह हो गया, ये तेरह हो गया। तेरह तक तो काउंट कर लिए, लेकिन आपने ये देखिए यहाँ से मिलाकर इस पे जब करेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से, ये हो जाएगा चौदहवां, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, पंद्रहवां। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही आकृति का चयन करें। इसमें आपको बताना है कि इस जगह पर कौन सा आकृति आएगा। तो चलिए एक बार देखिए कोशिश करके आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, उसने क्या किया है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर हम बता देते हैं कि उसने क्या लगाया है, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है। तो फिगर को जब इस तरीके से हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसा है तो फिगर क्या हो जाएगा, एक पासवर्ड बनेगा। तो जैसे इसमें इधर से किया है तो फिगर हम लोगों के सामने जो पेंट होगा किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का इधर यहाँ पर हो जाएगा, और एक जैसे वर्ग इस साइड से कर देंगे और इधर से कर देंगे। यदि कि पेंट कहाँ पर जाएगा, मेन आपको यही समझना है कि यहाँ पर इधर से है तो दर्पण में देखेंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट क्या हुआ हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पेंट क्या हुआ आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वैसे तो आप छांट सकते थे, ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो दर्पण में जैसा देखने के बाद वैसा नहीं दिखता है, बल्कि एक तरीके का पासवर्ड, देखिए दाया हाथ दिखेगा तो बाया हाथ दिखेगा, बाया हाथ देखेंगे दाया। तो इस तरीके से हम लोगों के इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि प्रश्न छवि पर, कह रहा है प्रश्न छवि पर चार उत्तर छवियों में से एक सन्निहित है, सही छवि चुने जिनमें से निम्नलिखित में से छवि सन्निहित है घूर्णन की अनुमति ने। कहने का उसका मतलब है ये जो फिगर दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और ये भी बोला है कि घूर्णन की अनुमति ने, जैसा फिगर है वैसा ही आपको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है, क्या इसमें हम लोगों का दिख रहा है क्या। बहुत सारा क्वेश्चन क्या करेगा कि हाँ सर यहाँ से, इधर से और इधर से दिख रहा है, तो उसने क्या कहा, घूर्णन की अनुमति नहीं, इसीलिए आप इसको गलत कर देंगे, क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एकदम सीधा सीधी दिख रहा है, इधर से और यहाँ पर ये देखिए एकदम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से देखना होगा तभी जाके सही होगा, वरना गलती हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अगर आपने इधर से ले लिया और इधर से ले लिया तो इस तरीके से करने के बाद इधर यहाँ पर एकदम निकाला हुआ है, तो वही आकृति तो दिख रहा है, वही कह रहा है किसमें सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी में, बाकी ये सभी कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। वो जो प्रश्न चिन्ह दिया है ए बी, यहाँ पर नीचे है बी, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि ए उसके बाद बी फिर यहाँ पर सी है और डी है, तो इस तरीके से दिया है। तो चलिए बताते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे जैसा इसका आकृति है तो उसी प्रकार से ये दोनों आकृति बना हुआ है, जिस तरीके से उधर से, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा आकृति है ना वैसा ही बनेगा। देखिए इधर से है तो इधर से, तो उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और ये वाला हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, और इस जगह पर हम लोगों का एक गोल वाला निशान हो जाएगा और इसी में इस प्रकार से निकाल देगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो ही होबे नहीं करेगा, ए को हटा दीजिए, उसके बाद हम लोगों के सामने बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर देखिए एकदम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। थोड़ा ध्यान से वरना गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे गए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया वैन आरेख एक सोसाइटी के प्रत्येक घर में पालतू जानवरों को दर्शाता है। कितने, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है कि कितने घरों में केवल दो पालतू जानवर है, क्वेश्चन क्या पूछा है, केवल जहाँ कभी केवल लगेगा तो केवल दो घर वाला ही लेना है, बाकी किसी से नहीं लेना है। तो दो घर वाला ये देखिए यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, दो घर में है, यानी कि हम लोगों का डॉग भी है, पैरोट भी है, उसी प्रकार से आठ को अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का दो घर में है, इधर भी हो जाएगा, ये आठ जो देख रहे हैं दोस्तों दोनों में आ जाएगा, उसी प्रकार से ये दो देखा जाए तो ये दोनों में हो जाएगा, लेकिन पांच को नहीं लेंगे, पांच पांच तो तीनों घर में हो जाएगा, पांच क्या हो जाएगा, डॉग भी है, पैरोट भी है, कैट भी है, तो तीनों में हो जाएगा, तो उसको नहीं लेना है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर छः
प्लस दो आ प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ हो जाएगा, तो इसी को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। मेन है कि समझना कि उसने कहा केवल दो घर वाला ही लेना है, तीन वाला नहीं, एक वाला नहीं, किसी को नहीं, केवल दो घर वाला। तो केवल दो घर वाला छः हो जाएगा, आठ हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोलह। लेकिन बहुत सारा स्टैंड किसी का इक्कीस, तो किसी का पंद्रह, तो किसी का छः, अलग अलग आंसर आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा, उसने क्या लिखा है, न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है। तो न्यूनतम कम से कम, तो इसमें कैसे करते हैं, ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज हो जाएगा, इधर एक रेखा, दो रेखा और एक इधर से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा, तीसरा रेखा, तो तीन रेखा हो गया। तीन के बाद इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा, उसके बाद ई हो जाएगा पांचवा, इधर से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। तो छह रेखा तो आपने वहाँ तक काउंट कर दिया, छः के बाद देखिए ई हो जाएगा सातवां, उसके बाद इसको लेंगे तो ई हो जाएगा आठवां, ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का नौवां, और यहाँ से एक ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने कहा इसमें कितनी सीधी रेखा है, ना कि त्रिभुज पूछा है। यहाँ पर गौर कीजिए, न्यूनतम कितनी रेखा, यानी रेखा का प्रयोग कर रहा है कि कितनी रेखा का प्रयोग किया है। यहाँ पर सीधी नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग अलग अलग देखते हैं बुक में, अलग अलग क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा है, पूछा रहता है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। आराम से आप गिन सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ से एक त्रिभुज, दो इधर से जाएगा, त्रिभुज बनाने के लिए तीन रेखा प्रयोग करवे करते हैं, तीन हो गया, उसके बाद इधर से हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा, फिर यहाँ से लेंगे ये पांचवा हो जाएगा, और इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा हो जाएगा। तो छः तक तो आपने काउंट कर लिया, छः के बाद देखिए एक ई सातवां हो गया, इधर से लेंगे ये आठवां हो गया, ऊपर से ही नौवां हो जाएगा, और नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, और यहाँ भी पहले बता देते हैं कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं है, जैसा फिगर है वैसा ही आपको देखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं दोस्तों, घूर्णन, यहाँ पर लिख देते हैं घूर्णन की अनुमति नहीं है, क्वेश्चन में लिखा रहता है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो आपको हमने इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन में कि प्रश्न है जैसा फिगर है वैसा ही देखना, इधर उधर ही नहीं कि टेढ़ा इधर नहीं, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमने ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिया, देखिए टाइपिंग में नहीं था तो कर दिए कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो अब दिखाते हैं कहाँ पर दिख रहा है ऐसा फिगर, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बल्कि कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए अगर इस आकृति को हम यहाँ से ले लें, ये देखिए यहाँ से अगर इस तरीके से कर दिया जाए, ये हो गया ठीक है, यहाँ से देखिए इस तरीके से आएगा, इस जगह से हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला आकृति देखिए इधर से हो जाएगा, और इसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक छोटा सा त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से देखिए ये सब नहीं हो गया, तो होगा कौन सा, तो इस जगह से अगर इस प्रकार से कर दिया जाए, उसी प्रकार से इधर से यहाँ से और यहाँ पर चला जाएगा, और देखिए इस जगह पर एक छोटा सा त्रिभुज इधर से जैसे हमने ले लिया, और इसको और यहाँ से इधर से जाएगा, तो इस जगह पर छोटा त्रिभुज होगा, तो हुबहू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचान कीजिए, तो असंगत को ज्ञात कीजिए, यानी असंगत का मतलब चार में से तीन समान है, एक अलग है इनमें से, जैसे कपास लिखा है, रबड़ लिखा है, चमड़ा लिखा है, कागज लिखा है, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चमड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कपास हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, तो ये सभी प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के द्वारा हम लोगों का निर्माण होता है, लेकिन चमड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मानव निर्मित हो जाएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रकृति, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकृति पर निर्भर करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति पर हम लोगों का निर्भर करता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि निर्भर करता है। इस तरीके से हमने समझाने के लिए कहा कि प्रकृति पर, लेकिन कपास हो गया प्रकृति, रबड़ हो गया, उसके बाद कागज, ये सभी प्रकृति पर, लेकिन चमड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, मानव के द्वारा एक निर्मित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पूछा गया था,
कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि कपास हो गया, रबड़ हो गया, कागज, ये सभी प्राकृतिक, लेकिन चमड़ा जो है मानव निर्मित द्वारा एक तरीके से अधिकृत बनाया, मतलब निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, वैसे आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, मेरा मेन है फोकस कि आपको समझाना। देखिए, कपास हो गया, रबड़ हो गया, कागज एक समूह बना रहे, एक अलग तरीके का है ये सब, लेकिन चमड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से लेकिन जंतु पर आधारित, ये क्या हो जाएगा जंतु पर, मान के चले ये जंतु हो जाएगा, तो कपास हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये सभी किससे होते हैं, तो पेड़ से निर्माण किया जाता है, ऐसे ले लेते हैं इसको, हाँ ऐसे कर लेते हैं, सबसे बढ़िया यही लॉजिक ठीक रहा कि जंतु पर है, किस पर है दोस्तों, जंतु पर, जंतु से प्राप्त करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जंतु से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जंतु से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से लॉजिक लगा लिया, यही लॉजिक सबसे बढ़िया रहा। कपास हो गया, रबड़ हो गया, कागज, तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है, पेड़ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन चमड़ा क्या पेड़ से प्राप्त होगा, नहीं होगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नवा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में भिन्न आकृति का चयन करें, तो भिन्न का मतलब ये पांचों में से एक आकृति अलग है, इनमें से कौन सा अलग है जरा वो बात हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर बताते हैं, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, एक वक्राकार आकृति का प्रयोग किया है, इस आकृति में अगर देखेंगे ना, तो एक वक्र वाला आकृति इस तरीके से, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक वक्र आकृति, उसी प्रकार से इसमें भी एक वक्र आकृति है, इसमें भी देखा जाए तो एक वक्र आकृति, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, तो पाँचवा वाला होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है। देखिए ना, इन सभी में एक वक्र आकृति है, यानी वक्राकार आकृति हो रहा है इस तरीके से, एक इसको बोलते हैं वक्र आकृति, तो इस तरीके से सब में दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का पाँच वाला आकृति रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो उसमें कोई वक्र का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर श्रृंखला, उत्तर आकृतियों में एक उचित विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ए बी सी डी कौन सा रख देने से क्लियर होगा, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज है, फिर हम लोगों के सामने ये गोला है, फिर क्या दोस्तों वर्ग है, उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए तो गोला है, फिर त्रिभुज है, उसके बाद क्या दोस्तों वर्ग है, तो वही कहानी यहाँ यहाँ पर भी होगा, अगर इसमें गोला है, इसमें त्रिभुज है, तो वर्ग वाला आएगा, तो वर्ग वाला आएगा, तो वर्ग वाला तो इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन को पहले हटा देंगे, ठीक है, इस बात को क्लियर कर लिए। अब ये भी देखेंगे, जैसे कि एक आकृति यहाँ पर हम लोग, ये तो हो गया कि हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, इसमें देखिए कैसे क्या है, एक हाथ का आकृति इधर से है, उसी प्रकार से इसमें देखिए हाथ का आकृति इधर से है, तो इसमें भी जो हाथ का आकृति होगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हाथ का आकृति इधर से होगा, जो फिगर बनेगा तो यहाँ पर हाथ का आकृति ऐसा होगा, और ये क्लियर हो चुका है कि वर्ग वाला होगा और हाथ वाला आएगा, तो यानी कि इस तरीके से जो होगा इसमें भी फिर निकलेगा और इधर से, तो यहाँ पर एक गोल वाला यहाँ पर हो जाएगा और इस पर क्या बैठा देंगे दोस्तों, वर्ग बैठा देंगे, तो क्लियर हो चुका है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्लियर हो रहा है कि एक तरीके से आपको देखना है कि कौन सा उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर रख देने से आकृति कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जैसे ही बी रख देंगे आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, आंसर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, देखिए आपको समझ आ रहा है कि इस तरीके से एक समूह बना रहा है, कुछ ना कुछ आकृति समूह बना रहा है, जैसे त्रिभुज हो गया, तो उस सब में त्रिभुज है, गोला वर्ग, त्रिभुज गोला वर्ग, त्रिभुज गोला वर्ग, तो इसमें भी वर्ग आएगा, तो वर्ग वाला पहले सी को हटाइए, सी को हटाने के बाद देख रहे हैं कि हाथ का आकृति, हाथ का, तो इसमें हाथ जो है नीचे साइड से, तो नीचे साइड से हाथ जाएगा, और वैसा आकृति दोनों में देख रहे हैं, पहला वाला में, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, यही वाला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर सेलोलिज्म से दिया गया है कथन और हम लोगों का निष्कर्ष वाले, कह रहा है कि सभी रेड जो है ग्रे है, तो इस जगह पर बना लेते हैं, जितना भी हम लोगों के सामने रेड है उसको क्या कर देना है दोस्तों, ग्रे कर देना है। तो देखिए ई क्या हो गया, सभी रेड हम लोगों के सामने ग्रे हो गया, फिर कह रहा है कि सभी ग्रे जो है येल्लो है, यानी सब अब ग्रे क्या हो जाएगा, येल्लो हो जाएगा, तो इस जगह पर हमने कर दिया सभी ग्रे क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, डायग्राम बना दे।
फिर लिखा है कि कोई येल्लो ब्लू नहीं है, तो कोई भी येल्लो जो है हम लोगों का ब्लू नहीं है, तो ब्लू को इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, कोई भी हम लोगों का येल्लो क्या है दोस्तों, ब्लू नहीं, तो ब्लू नहीं है, तो इसमें लगा है नहीं का निशान, तो यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, नहीं कर लीजिए। अब देखिए क्या कहा है निष्कर्ष में, तो हम लोगों के सामने है कोई रेड ब्लू नहीं है, तो कोई भी रेड जो है वो ब्लू नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब हम लोगों का कोई येलो ब्लू नहीं हुआ तो रेड भी क्या हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा। येलो से बेंडेशन है कि येलो वाला कोई भी येलो जो है ब्लू नहीं, तो उसी के अंदर में रेड है, तो इसका अर्थ कोई भी रेड क्या हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा, तो ये भी बात सही हुआ। अब कह रहा है कि कोई ग्रे ब्लू नहीं है, तो कोई भी ग्रे जो है ब्लू नहीं, तो ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि जब येलो ही ब्लू नहीं हुआ तो ग्रे भी, ये वाला भी हिस्सा क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। देखिए बड़ा वाला गोला ही बेंडेशन कर दिया कि कोई भी येलो ब्लू नहीं है, इसका अर्थ रेड भी हम लोगों का ब्लू नहीं होगा, ग्रे भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा, तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएगा, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि कोई भी ग्रे जो है ब्लू नहीं है, तो कोई भी ग्रे जो है ब्लू नहीं है, ये भी सही हुआ। कोई रेड ब्लू नहीं है, तो कोई भी रेड भी ब्लू नहीं, दोनों नहीं होगा, क्योंकि येलो ही ब्लू नहीं हुआ तो उसी के अंदर में दोनों है, तो वो दोनों भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक और दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने सेलोलिज्म, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरीके के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि हर एक एग्जाम से कवर है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीटेट, पीटेट, नेवी, एसआर, एमआर, जितने भी है दोस्तों अग्निवीर, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, हर एक एग्जाम से हमने इसमें कवर किया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि कुछ कार्ड्स जैसे कि यहाँ पर इधर जैसे इसको लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी ए आर डी एस, तो इसको लिखा है कि कुछ कार्ड जो है हम लोगों का कह रहा है कि बाट्स है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं बी ए आर डी एस, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है हम लोगों का कुछ कार्ड्स जो है, तो इधर यहाँ पर इधर हो जाएगा, यानी कि इसको कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पर इसका हिस्सा क्या हो जाएगा कुछ, यानी कि हम लोगों का बाट्स जो है कार्ड्स हो जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखा है कि कुछ हम लोगों का कार्ड्स जो है कह रहा है कि कार्ड हो सकते हैं, हाँ तो ये बात हो सकते हैं, यानी संभावना है, तो क्या हो सकता है ये दोस्तों, ये वाला डायग्राम जो है इसमें जा सकता है, हो सकता है, अगर संभावना दिया है तो उसने कार्ड और हम लोगों का कार्ड्स में देखिए इसका हिस्सा को अगर हम यही डायग्राम को अगर थोड़ा सा इस प्रकार से बड़ा करके अगर इसको बना लें इस तरीके से ये वाला, तो हम लोगों का उसमें जा सकता है, यानी कि कुछ कार्ड्स जो है कार्ड्स हो सकता है, तो ये बात हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका डायग्राम जो है इसको टच करके इस तरीके से बना सकते हैं, ये वाला जो कार्ड वाला देख रहे हैं, इसको डायग्राम इस तरीके से टच कर सकता है, तो वो सही हो जाएगा, तो ये हो सकता है, एक तरीके से संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो ये बात को हम लोग जिक्र कर लेंगे, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर ओहो सभी बर्ड्स, अच्छा हम लोग मिस्टेक कर गए थे, पढ़ने में मिस्टेक कर लेते हैं, लिखा है कि सभी बर्ड्स, तो देखिए सभी बर्ड्स हम लोगों का क्या हो पाएगा, सभी बर्ड्स जो है कार्ड्स हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, सभी बर्ड्स हम लोगों का कैसे कार्ड्स में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्ड्स भी नहीं होगा, तो ये भी बात आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आपको करना नहीं है, उसने जैसे कि लिखा है बर्ड्स, तो हम लोगों का यहाँ पर इसके लिए सॉरी, हमने पहले देखा नहीं ध्यान से क्या लिखा था, तो यहाँ पर बर्ड्स लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया, और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है, चलिए कर लेते हैं, जैसे एस, उसके बाद लिखा है एल, फिर अच्छा एस एल, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डब्ल्यू लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर डी है, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए अगर एस से यदि एल पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सात लेटर को घटा दिया, इसने क्या किया दोस्तों, सात लेटर को, एस से यदि एल पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, सात लेटर को घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि फिर एस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सात लेटर का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इस जगह पर चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे उसने लिखा है एच,
तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए शुरू में हम लोगों के सामने एस हो गया था, तो वहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसके लिए सुधार दिए, अब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है कि टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जैसे एच, उसके बाद कोमा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एल, फिर हम लोगों के सामने एस, फिर लिखा हम लोगों के सामने डब्ल्यू, फिर क्या लिखा है दोस्तों डी, और आगे क्वेश्चन। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन यही है कि कितना इंपॉर्टेंट। एच से यदि आप जाएंगे दोस्तों एल पे, तो देखिए कितना लेटर जोड़ा है यहाँ पर, चार लेटर। उसी प्रकार से एल से यदि एस पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने सात लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, चार लेटर का वृद्धि किया। फिर से उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस सात लेटर का वृद्धि किया। देन डब्ल्यू में जैसे ही करेंगे, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर ए बी सी डी स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से इस जगह पर उसने चार लेटर किया, तो चार लेटर जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एच आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद कर दे आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, सैलोली में कथन निष्कर्ष वाले अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछा गया दोस्तों अलग अलग एग्जाम में, बिल्कुल हमने उसी तरह के क्वेश्चन लेकर आए। कह रहा है कि कोई भी आम जो है संतरा नहीं है, फिर ठीक है, तो यहाँ पर जिक्र किया जाए कोई भी आम को, इस जगह पर ले लेते हैं कोई भी आम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी आम जो है हम लोगों का संतरा नहीं है, तो इस जगह पर बना लेते हैं संतरा। यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी आम जो है संतरा नहीं है। देखिए जिसमें नहीं रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, क्रॉस चिन्ह लगा देना गुना का। फिर लिखा है कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है, तो कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है। फिर लिखा है दोस्तों कोई भी संतरा जो है वह सेब नहीं है, और कुछ आम जो है उस सेब है। ये देखिए किस तरीके से उसने जिक्र किया, कुछ आम यानी कुछ आम जो है उस सेब हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं कुछ आम क्या हो जाएगा दोस्तों, सेब हो जाएगा। और फिर उसने लिखा था कोई भी संतरा जो है, ये देखिए संतरा जो है इस सेब नहीं है, इधर से भी बैंडेशन डाला, यहाँ से ले लेते हैं इधर से, यानी कोई भी हम लोगों का इधर से भी बैंडेशन है इस पर कि कोई भी संतरा जो है कोई भी उसने लिखा है कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है, तो कोई भी संतरा सेब नहीं है कर लिया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेन यही है कि ऑक्सीडेंट से होबे नहीं करेगा, कहेगा ये कैसा कैसा क्वेश्चन, और रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई भी सेब जो है आम नहीं है, तो कोई भी सेब जो है दोस्तों आम नहीं है, तो कोई भी सेब आम नहीं, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, जबकि कुछ सेब तो आम यहाँ पर हो रहा है। देखिए ना उसमें कुछ सेब का हिस्सा तो आम में जा रहा है, और वो कह रहा है कोई नहीं, तो ये बात गलत है। फिर लिखा है कोई भी सेब जो है संतरा नहीं है, तो कोई भी सेब जो है वो संतरा नहीं है, तो हाँ तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा कि कोई भी सेब जो है संतरा, जब कोई संतरा सेब नहीं है तो कोई भी सेब भी संतरा नहीं होगा। देखिए ना इधर से लाकर इस पर एकदम बैंडेशन चढ़ा दिया कि कोई भी संतरा सेब नहीं है, तो जब कोई भी संतरा सेब नहीं होगा तो इसका अर्थ कोई भी सेब भी संतरा नहीं होगा, तो इधर से कीजिए या उधर से, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ संतरे आम है, तो क्या कुछ संतरा आम में गया है क्या, कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों, ये होता है कुछ वाला, तो ऐसा आम और संतरा में कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा जो कि ऐसा टच करता हुआ, तो इस बात को क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे, तीसरा भी गलत होगा। फिर कह रहे हैं सभी सेब जो है आम है, क्या सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला के अंदर में पूर्ण रूप से जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये होता है सभी वाला डायग्राम, पहले क्लियर कर देते हैं, यानी एक गोला दूसरे में जाएगा, और कुछ वाला डायग्राम होता है दोस्तों एक गोला दूसरे गोला को इस प्रकार से करेगा, तो इसको बोलते हैं कुछ वाला। तो देखिए हमने क्लियर कर दिया, समझा दिया कि सभी वाला ऐसे होता है, कुछ वाला ऐसा होता है, तो वैसा हम लोगों का देखिए संतरे आम में नहीं है, वैसा रिलेशन संतरा अलग है आम अलग है, सेब और आम में रिलेशन है, लेकिन सब क्या एक गोला दूसरे एक गोला के अंदर में क्या है कुछ कुछ का रिलेशन दिया, और वो कह रहा है सभी, तो ये दोनों बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा ऐसा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर देते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन को। उसने कहा है कि श्रीमान जो है कह रहा है कि जॉनसन उत्तर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले जिक्र करना होगा कि पूरब हम लोगों के सामने किधर होता है, तो ये होता है आपका पूर्व होता है, इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम होता है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या कर देना है दोस्तों दक्षिण कर देना है। मेन मेरा मकसद रहता है कि आपको समझाना कि पूरब आपने किधर कहा, इधर लिया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। श्रीमान कह रहा है कि जॉनसन उत्तर
पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व किधर हो जाएगा, तो ई साइड हो जाएगा उत्तर पूर्व। देखिए वहां पर लेंगे ये वाला रेखा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो वही काम के उत्तर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं और 16 मीटर चलने के बाद, तो ये दूरी हम लोगों के सामने 16 मीटर हो गया। तो 16 मीटर चलने के बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो अब पश्चिम किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों के सामने पश्चिम की ओर। उसने कहा है कि 16 मीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है, फिर वह अपने क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है 135 डिग्री। तो अब बाईं ओर मुड़ेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं बाईं ओर किधर मुड़ेगा। तो इस जगह से अगर यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से 135 डिग्री अगर मुड़ना है तो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 135 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हो जाएगा। देखिए उसने एकदम क्लियर कहा है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर हम लोगों का 135 डिग्री मोड़ दिए, तो बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो 10 मीटर चलता है, तो अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुखरित है, तो अभी जो है वो कौन सा दिशा में मुखरित है। तो ये वाला जो दिशा हो जाएगा, यानी 10 मीटर चला है और 135 डिग्री, तो वो अभी कौन सा दिशा में हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला जो दिशा होगा, तो ये कौन सा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना, उसने कहा है जब 135 डिग्री, देखिए ना वह कह रहा है फिर से 135 डिग्री मुड़ते हैं और 10 मीटर चले, तो वही 135 डिग्री जो मुड़ा ना, तो ये वाला जो दूरी हुआ ये 10 मीटर हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो चला है यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर चला है। तो कौन सा क्या हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का आंसर, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दिशा हम लोगों का दक्षिण पूर्व है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हम चाहते हैं कि आप होमवर्क में कर दें ताकि अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं कि अलग अलग दोस्त एक दूसरे के संबंध में है, अलग अलग दिशाओं में। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बी जो है कह रहा है कि बी का घर ए के उत्तर में है, तो बी का घर जो है अगर ए के उत्तर में है तो बी यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, बी का घर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए के उत्तर में, तो ए के उत्तर में कर दिए। ठीक है, कितना चला है, तो दो मीटर चला है। उसके बाद कहा है कि और सी के पश्चिम दूरी पर, तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि बी का हम लोगों का घर ए के उत्तर में है, तो ए के उत्तर में कर दिए। और तो और आता है पहले के लिए, तो पहले के लिए जैसे बी है, तो कह रहा है कि और उसने कहा है कि और सी के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो सी का पश्चिम यानी इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर दूरी पर। तो ऐसे आप स्टार्ट करके कर लीजिए, 3 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद फिर लिखा है कि डी का घर जो है सी के दक्षिण में, यानी डी का जो घर है दोस्तों उस सी के दक्षिण में, तो यहाँ पर डी का घर जो हो जाएगा उस सी के क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण में हो जाएगा। और ये भी बोला है कि 6 किलोमीटर दूरी पर, तो 6 किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा। फिर एफ का घर जो है ई के उत्तर में है, तो एफ का घर ई के उत्तर में 4 किलोमीटर, यहाँ से नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, डी का घर ई के पश्चिम है, यानी डी का घर जो है दोस्तों ई के पश्चिम, तो ई इस जगह पर हो जाएगा और ई के क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम में हो जाएगा हम लोगों का। करें डी का घर ई के पश्चिम में 5 किलोमीटर, तो ये दूरी हो जाएगा हम लोगों का 5 किलोमीटर। उसके बाद हाँ, तो यहाँ तक तो हो गया। उसने कहा है कि ए और एफ के बीच न्यूनतम दूरी, तो अब एफ वाला छोड़े है ना, तो यहाँ पर कह रहा है एफ का घर ई के उत्तर में, यानी एफ का घर जो है दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा एफ का घर, तो ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में कर दिए। तो उसके बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और तो इधर हो जाएगा ई पूरा का हम लोगों का कितना है, तो यहाँ से अगर इसको लेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। कह रहे हैं बी का घर जो है दोस्तों, एकदम आराम से कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इस जगह पर ले लेंगे। बी का घर जो है उसने कहा है कि ए के, तो ए के क्या है दोस्तों, उसने कहा है ए के उत्तर में 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर हो गया ये 2 किलोमीटर, ये 2 मीटर। फिर लिखा दूरी, कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर, और जो वर्ड आता है पहले के लिए आया है, यानी बी के लिए, और सी के पश्चिम में 3 किलोमीटर, तो सी यहां पर हो जाएगा सी के पश्चिम में 3 किलोमीटर, तो सी के पश्चिम में कर दिए। फिर लिखा है डी का घर जो है सी के क्या है दोस्तों, दक्षिण में है, तो डी का घर अगर इस जगह पर हो जाएगा, डी का घर जो है सी के दक्षिण में, और उसने ये भी बोला है कि कितना, तो 6 हम लोगों का मीटर की दूरी पर है। फिर लिखा है एफ का घर ई के उत्तर में, तो अभी इसको छोड़ देंगे, पहले आगे बढ़ेंगे क्योंकि डी से रिलेटेड खोजना है। तो डी का घर जो है ई के पश्चिम है, यानी डी का घर, तो ई के क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे, तो ई का क्या कर दीजिए दोस्तों, पश्चिम में कर दीजिए।
और कितना अथि पे है, तो 5 हम लोगों का मीटर पे, नीचे लिख देते हैं, लिख जा यहाँ पर दिख जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर उसने ई कहा यहाँ तक लिए ना, एक लाइन वहाँ पर छोड़े थे, इसको छोड़े थे ऐप और ई को, तो कह रहा ऐप का घर जो है ई के उत्तर में है, यानी ऐप का घर जो हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा, तो ऐप का घर ई के क्या है उत्तर में है, यहाँ पर इस जगह पर ले लेते हैं ऐप का घर ई के उत्तर में, और कितना दूरी पर है, तो कह रहा है कि 4 किलोमीटर दूरी पर है, तो ठीक है 4 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से ले लिया हमने 4 किलोमीटर दूरी, ये हो गया। तो ए और ऐप के बीच न्यूनतम दूरी, तो ए और ऐप का अब जिक्र कर देते हैं, ए ऐप, तो ये है हम लोगों के सामने ऐप है और ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इसके सामने में ई हो जाएगा 5, ये देखिए ना ई सामने में 5 क्यों नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक जब 5 है तो 5 हुआ, और यहाँ से अगर 3 है तो ये 3 होगा, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।